आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है, पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहा है सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई, रोजगार कहाँ चले गए, आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया, वो काला धन किसके पास है। इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आधी रात को धूमधाम से जो एसटी लागू की थी उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया। इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आरबीआई की जेब काटकर जो लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ही लिए वे कहां है, आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि हमारी नौरत्न कंपनियों क्यों बेची जा रही है और किन्हें बेची जा रही है। दूसरी तरफ जनता का पैसा बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है, आम आदमी खुद का पैसा न घर में रख सकता है और न बैंक से निकाल सकता है। ये इसको कहते हैं, मोदी शाह कहते हैं, यही है अच्छे दिन। आज का माहौल ऐसा हो गया कि जब मर्जी आए कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेशों का दर्जा बदल दो, जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो, बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान विकास दिवस तो मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अब तो एक नया नागरिकता कानून बनाने की उसका भी इन पर काफी समय से सवार थी। मोदी शाह के इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो सीएबी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा, जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं और बाबा साहब अंबेडकर ने कठिन संघर्ष किया था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे भेदभाव वाले कदमों की इजाजत नहीं देता। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिनसे भी अन्याय होगा कांग्रेस उन सभी के साथ खड़ी रहेगी। मोदी शाह सरकार को ना संसद की चिंता है, अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं, संसद की चिंता नहीं है, ना संवैधानिक संस्थाओं की परवाह है। उन्हें मोदी शाह के सिर्फ एक ही लक्ष्य उनका राजनीति की परवाह है, उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। तो भाई और बहनों, नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए मोदी शाह सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है।
कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान की रक्षा के लिए हम हर तरह के संघर्ष करने के लिए तैयार है। जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने, सिर्फ कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी। आज भी कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी अंतिम सांस तक हम देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे।